अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पॉन्ज। ये बहुत इकोनॉमिकल है, 150 रुपीज़ में आप दो दो पाउंड के दो केक्स बना सकती हैं घर में बहुत ही इजीली। इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है 6 एग्स, ये 6 अंडे, 110 टू 125 ग्राम ऑफ शुगर, दानेदार शुगर चाहिए। ये डालकर अब मैं इसकी बीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हमने लो स्पीड पर बीट करना है, देन आफ्टर दैट हमने इसकी स्पीड बढ़ा देनी है। उसको तब तक बीट करते रहना है तब तक ये फ्रॉथी और लाइट येलो कलर की क्रीमी लुक में ना आ जाए। देख लें, इसमें आपको शुगर को अलग से पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, फजूल के झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुक एट दैट, ये स्पाइक्स आ रही हैं। हमारा मिक्सचर रेडी है, ये डबल वॉल्यूम में डबल हो गया है। और जो हमें मैदा चाहिए वो भी 125 ग्राम के करीब चाहिए। हाफ़ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हमने अपने मोल्ड्स को भी ग्रीस कर लेना है। अब ये एक नई टेक्निक आपको बता रही हूँ, इसके साथ आप इसमें एक स्पून मैदा डाल देंगे। अब इसको मैं डस्टिंग करूँगी इसके साथ, इस मैदे की, ताकि जो है वो हमारे आराम से जो है केक एट द एंड जो है वो बाहर निकल आए। इसमें हमें कोई पेपर वेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने मोल्ड को डस्ट करना है मैदे से। लुक एट दैट, मैं टैपिंग करके एक्स्ट्रा मैदा सारा बाहर निकाल रही हूँ। अब मिक्सिंग के लिए मैं अपने हैंड्स इस्तेमाल करूँगी, इससे अच्छी टेक्निक जो है वो आपको नहीं मिलेगी। अब मिक्सिंग करके देखें, थोड़ा थोड़ा आपने मैदा डालना है, साथ साथ जो है वो ग्रेजुअली अपने हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि कोई लंप ना रह जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ना ये बैटर बैठे। लुक एट दैट, कैसे इजीली हैंडल हो रहा है ये बैटर। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी है इसकी। लुक एट दैट, ये देखें, अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है इक्वल वॉल्यूम में दोनों मोल्ड्स के अंदर। इसको बेक करना है 20 से 25 मिनट के लिए, 180 टू 200 डिग्री सी, डिपेंड ऑन योर गैस अवेलेबिलिटी। अगर गैस हल्की नॉर्मल तेज़ आ रही है तो 180 पे रखें, हल्की आ रही है तो 200 पे रखिएगा। अब ये मोल्ड जो है वो केक ने मोल्ड छोड़ दिया है। लुक एट दैट, मैंने इसको डिश आउट किया है। पहले केक को मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कि ये बाउंस बैक कर रहा है जैसे मैं दबा रही हूँ इसको। ये बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट केक रेडी हो गया है। ये मैंने आपको काट के दिखाया, मैं आपको नेक्स्ट मोल्ड जो है, नेक्स्ट केक जो है वो मोल्ड से बाहर निकाल के दिखाती हूँ। गेट दैट, हाउ ईजी इट इज़। अब मैं टैपिंग करूंगी, ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस कितना फ्लफ़ी है। ये घर में बहुत ही आसानी से बन जाता है, हाईली न्यूट्रिशियस है। बच्चों को आप ये इजीली घर में बनाकर दे सकते हैं। बेकिंग टाइम 20 से 25 मिनट है सिर्फ इसका। बाज़ार से आप केक मंगवाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता अंडे कैसे उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, इसको मैंने सीधा कर लिया है ताकि इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो चिपके ना बेस पर। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए ज़रा कितनी आसानी से ये कट रहा है। इसकी फ्रॉस्टिंग जो है ना वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखानी है। ये देखिए कितने ईजी से कट रहा है। ये मैंने 4 लेयर केक बनाना है अपनी बेटी की बर्थडे के लिए। इसकी फ्रॉस्टिंग मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, लुक एट दैट, कितना सॉफ्ट है ये। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।